मुझे बोलने दीजिए, बहुत रैली मैं चुकी। आप सबने, इस पूरे समाज ने बहुत दबा ली मेरी आवाज पर। आज नहीं, आज मैं बोलूंगी और आप सब सुनेंगे। आप सब, रेशमी कपड़े पहनाते हैं, पूजा करते हैं माँ की, और बाहर औरतों के कपड़े उतारते हैं, बलात्कार करते हैं उनका। कहानी यही थोड़े ना खत्म हो जाती है। आप सब, हाँ आप सभी, इल्जाम किस पर लगाते हैं, किससे पूछे जाते हैं सवाल कि क्यों निकले के लिए रात में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। लड़की से पूछते हैं और वो गुनेगार वहां शाम से घूमता है, शाम से। गलती किसकी है? हर लड़की को बुरी नजर से देखने वाली सोच और लड़कियों को गलत कहकर इस सोच को बढ़ावा देने वाले लोगों की, या एक गुनाह लड़कियों की? आप सब कहते हैं ना कि सब भूल जाओ। कैसे भूलूं? कैसे भूलूं रातों को, तकलीफों को, चीखों को, मैं कैसे भूलूं? भूल जाओ कहने से पहले कि आप लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हम लड़कियों को कपड़े सही से पहनाने वालों, पहले तुम सोच ढंग की पालो। हमारी रक्षा करने से पहले तुम अपने बेटों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाओ। और पूरा समाज हमें बदलना चाहता है ना? हम बदलेंगे खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने लिए खड़े होने के लिए, खुद की लड़ाई खुद लड़ने के लिए बदलेंगे हम। क्योंकि जब तक हम नहीं शुरुआत करेंगे, तब तक कोई दूसरा आकर हमारे लिए सब कुछ ठीक नहीं करेगा। हम कमजोर नहीं है, बस जरूरत है तो अपनी ताकत को पहचानने की, खुद को पहचानने की जरूरत है। उन सब लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। जिस दिन हम खुद आत्मनिर्भर बन के उन सबको सबक सिखाएंगे, उस दिन, सिर्फ उस दिन मिलेगा मुझे और हर लड़की को इंसाफ, सिर्फ उस दिन मिलेगा। और हाँ, हमें कमजोर बनाने वालों इतना जान लो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा।